यह चुनाव साधारण नहीं है। अब तक बहुत चुनाव हुए, आगे बहुत होंगे। एक ही अनुरोध कर रहा हूं, यह चुनाव हजारों वर्ष में याद किया जाएगा कि जब भारतवर्ष विश्वगुरु बनने जा रहा था, जब भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा था, और 550 वर्ष मुकदमा चलने के बाद, 2.5 लाख आदमियों की कुर्बानी के बाद, जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था, तब पापा वोट किसको डाली थी आपने? यदि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी तो मोहन की तरह आपको कहेंगे बच्चे कि पापा आपने बड़ा पाप किया है। ये तो भगवान राम को अर्पित हो रही थी वोट, ऐसे समय पे भी आपने नहीं दिया। देखिए, ये मत सोचना कि मैं मंत्री होके ये बात कर रहा हूं, ढिल्लो साहब से ये बात कर रहे हैं, आदरणीय दुर्विजय जी ये बात करेंगे, ये मत सोचना। राम मंदिर उन पत्थरों की उन बुनियाद पर खड़ा है जिसे कभी कोई नहीं देख पाएगा। आप लोग उस भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद के पत्थर हैं कि जिन्हें दूसरे तो देख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता, लेकिन बिल्डिंग आपके ऊपर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपकी वजह से है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आदरणीय ढिल्लो जी ने भी कहा, हमारे विनोद चौधरी ने भी कहा है कि एक वोट की बहुत कीमत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका नाम क्या रखा है मालूम है? मतदान। माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, जय हो। धन्यवाद।